हमीरपुर जिला में रविवार रात भर तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने से मौसम कूल कूल हो गया है। तो जिला के अधिकतर जगहों पर तेज हवाओं के चलते कई संपर्क मार्ग पर पेड़ गिरने से मार्ग बाधित रहे। वहीं हमीरपुर के पास पक्काप्रोह के पास भी बट वृक्ष के बीच सड़क में गिरने से रात को 2 बजे से मार्ग बाधित रहा, जिस कारण आवाजाही पूरी तरह से बाधित रही। सुबह करीब 9 बजे तक भी सड़क मार्ग को बहाल नहीं किए जाने पर यातायात प्रभावित रहा, तो स्कूली बच्चों को भी सुबह के समय पैदल ही चलकर स्कूल तक जाना पड़ा। पक्का प्रोह चौक के पास वट वृक्ष गिरने से लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी और सैकड़ों वाहनों को यातायात में आधी रात में फंसे रहना पड़ा। बीच सड़क पर बिजली की तारें गिरने से दुर्घटना का भी अंदेशा बना रहा। सड़क चालक राजकुमार ने बताया कि रात करीब 2 बजे बीच सड़क पर तेज हवाओं के चलने से ये बड़ा पेड़ गिर गया है। उन्होंने बताया कि रात के समय से यातायात बाधित रहा और अभी सुबह होने पर भी जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्य नहीं किया गया है, जिससे परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि धर्मशाला से शिमला राजमार्ग पर आधी रात से बाधित हुए यातायात के कारण हजारों लोगों को आवाजाही करने में परेशानी झेलनी पड़ी है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से सुबह तक भी पेड़ को बीच सड़क पर से नहीं हटाए जाने पर लोगों में गहरा रोष है। तो बहुत भारी तूफान हुआ और ये जो बटवृक्ष था मेन रोड में गिर गया, और यहाँ देखो आप 9 बजे का टाइम है और यहाँ कोई भी किसी भी प्रशासन जो यहाँ नहीं आ पहुँचा, तो रात 2 बजे के लोग यहाँ परेशान है। दोनों तरफ से जाम लगा हुआ है और 8-10 घंटे हो गए, यहाँ कोई भी जो यहाँ आदमी प्रशासन का नहीं आया है।